तो यार गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैं बन गई हूँ डाकू क्योंकि दोपहर के बज रहे हैं एक और इतनी तगड़ी वाली धूप हो रही है ना। मैंने ये वाला बैग पैक कर लिया, पीछे थी मम्मी जी। तो चलिए, बहुत ज्यादा तेज आवाज हो गई गेट की, चलते हैं। तो यार मैं निकल चुकी हूँ और ये पता नहीं कौन सी बहुत ही तगड़ी वाली कोई बाइक जा रही है। वैसे मेरी गली में इतनी स्पेस नहीं है, बहुत ही पतली सी है, मतलब इतनी भी पतली नहीं है, पर हाँ यहाँ कार बाइक पूरे दिन पू। क्या बहुत ही ज्यादा तगड़ी वाली धूप हो रही है, बहुत ही कुछ ज्यादा ही तगड़ी हो रही है, पर क्या करें, अर्जेंटली जाना था, निकलना था, तो वही निकलना तो पड़ेगा। वही इतनी धूप में जाना, हवा चल रही है, वैसे देखो मेरे स्कार्फ उड़ रहा है, पर इतनी ज़्यादा धूप है ना कि हवा कुछ पता ही नहीं चल रही है। अगर अपना फेस नहीं कवर करती ना तो मैं बुरी तरीके से जलने वाली थी आज। बहुत ही कर रहा है जल्दी, बहुत ही ज़्यादा कर रहा है यार। तो चलो चलते हैं, अभी हमें अपने एक इंसान को और पकड़ना है, अपने एक और एजेंट के साथ। एक्चुअली मैं निकल रही हूँ। तो या फाइनली यार डॉगी तो भाव कर ही जा रहे हैं, शायद मुझसे कह रहा है कि जल्दी निकल रहे हैं यहाँ से, मैं भूत जैसी लग रही हूँ उसे। तो चलो भाई निकलते हैं, हैं आप बता देते हम भी ले आते हैं आपके लिए। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। चाचा मिल गई आज हमारे संग ना, आज हमारे संग बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ, बताती हूँ अभी क्या हुआ। पहले रेड लाइट क्रॉस कर लूँ, चाचा बताएगी पता चले एक घोटाला और हो जाए हमारे साथ। चाचा बताएगी क्या घोटाला हुआ आज हमारे साथ। हम दोनों पता इतनी एक्साइटमेंट में जाने के यही भूल गए कि हमारे पास गाड़ी जैसी भी कोई चीज है। हम दोनों निकल लिए, आ गए हैं धूप में खड़े रहे पागलों की तरह, ई रिक्शे का वेट कर रहे हैं। एक ई रिक्शा नहीं मिला, दूसरा नहीं मिला, तीसरा नहीं मिला भाई। फिर दीदी को अचानक से गाड़ी के देख के याद आया, गाड़ी जैसी कोई चीज तो इनके पास भी है शायद। सीरियसली लोग गाड़ी चला रहे हैं ना, फिर मुझे एकदम रिसेंबल हुआ, गाड़ी हम गाड़ी से क्यों नहीं आए। फिर जाके हम वापस घर गए पैदल पैदल। हाँ। फिर और पता क्या हुआ, जब दीदी ने मुझसे कहा कि हम गाड़ी से कर रही है, मैं कह रही पता नहीं क्या कह रही है, किसकी गाड़ी से जाना था पता नहीं। वही सच में घोटाला हुआ। फिर हम दोबारा घर गए, फिर वरुण को मैंने नीचे बुलाया, फिर वो चाबी लेकर आए गाड़ी की, एंड फाइनली वी आर गोइंग। मतलब हम सीरियसली यार इतनी धूप हो रही है ना, और हम ई रिक्शा से जाने वाले थे, रिक्शा मिल भी नहीं रहे थे। फिर याद आया क्यों आखिर, तो अभी हम निकल दिए हैं, चल दिए हैं फाइनली। अब तो ऐसा लग रहा घर में बैठ के जा रहे हैं। हाँ। तब पता चल रहा था कि यार हाँ, पता है भाई मुझे भी टेंशन होती, मैंने कहा यार वरुण पता है कहीं आने जाने की, मतलब ये होता है कि कहीं जाए और पहुंच जाए। ट्रैवलिंग में गर्मियों में बड़ा टेंशन होता है, चाहे ई रिक्शा जाओ चाहे कितना भी दूर डिस्टेंस हो, ऐसा लगता है कि जाए और पहुंच जाए। तभी तो पहले मैंने अपना फेस वेस ऐसे कवर कर लिया था कि धूप में बहुत में जाना है। हाँ, कि धूप में तो जाना है, मारते हुए जाने वाले हैं। और फिर लौटते टाइम तो वरुण भी आने वाले हैं, तो हाँ। तीन लोग हो जाएंगे, फिर तो सही है। और या लेट्स गो। अब आपको बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वाले व्लॉग्स मिलने वाले हैं, साथ में कुछ चैलेंजेस भी मिलने वाले हैं। आप लोग कौन से चैलेंज देखना चाहते हो कमेंट करते जाओ नीचे नीचे जाके, हम शायद वही ट्राई करें कुछ करेंगे। आप पनिशमेंट्स भी अच्छे अच्छे बताते जाओ। हाँ यार पता है पनिशमेंट्स में बड़ा वो लगता है, सोचना हाँ। पड़ता है बहुत ज्यादा। आप लोग कुछ आइडिया दो अच्छे अच्छे से। और एक चीज और मैं कह रही थी, आप लोग हमारी मेरे को चको इतने दिनों से साथ में देख रहे हो वीडियोस में व्लॉग्स में, तो कोई एक चीज हम लोगों में जो हमेशा कॉमन दिखी है आप लोगों को, आप लोगों ने कुछ नोटिस किया है तो प्लीज बताना कमेंट करके। हाँ मुझे भी बताना, ऐसे तो मैं भी कंफ्यूज हो गई। क्या तुझे पता है? अभी नहीं बताऊंगी, सब सुनेंगे। बट जो हम लोगों में हमेशा आपको हर वीडियो में ज्यादातर कॉमन दिखाओ कि हाँ ये चीज हम लोगों ने सेम किया है, तो आप कॉमेंट करके बताना। हाँ प्लीज जरूर कॉमेंट करके बताना। चलो भैया चल, ये क्या ये क्यों नहीं चल रहे हैं पता नहीं। हाँ वो इशारे कर तो रहे हैं।
तो यहाँ गाइस हम लोग आ चुके हैं। एक्चुअली मैं आई हूँ बुआ के घर। बुआ है नहीं घर पे, वो कहीं काम से गई हैं, तो फूफा जी हम लोगों को चाबी दे गए थे। तो यहाँ जब से हम लोग यहीं बैठे हुए हैं, हम लोग काफ़ी देर पर रह गए थे, अभी तक बुआ आई नहीं है। और हम खा चुके हैं उनकी नमकीन, निकाल के भी खा चुके हैं यार। एक्चुअली उनका यार फ़ोन भी आ गया था, उनका फ़ोन आया था कि भूख लगी थी कुछ खा लेना। वो बस आ रही हूँ अभी आधे पौन घंटे में, उन्होंने हमें बहुत देर पहले कहा था कि आधे पौन घंटे में, अभी तक तो आए नहीं है। कहाँ है, शायद वो बाहर निकल गए हैं। तो इसको रखते हैं यहाँ। और हाँ, आप लोगों ने पीछे देखा, मैं आपको मिलवाती हूँ लड्डू गोपाल से। ये हैं दो प्यारे प्यारे से लड्डू गोपाल, ये इनका फैन। और यहाँ रखी है मनी प्लांट, और देखो छोटे से जल, और यहाँ रखे हैं ये चरण। तो ये हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे से हमारे लड्डू। एक्चुअली ये लड्डू ना हमारे यहाँ सब पर हैं। एक दीदी के लड्डू हैं, एक हैं बुआ के लड्डू, मेरी बड़ी बुआ है उनका भी लड्डू है, मेरे पास भी लड्डू हैं। तो हमारे यहाँ सभी के यहाँ लड्डू ज़रूर हैं, ज़रूर से हैं सभी के यहाँ लड्डू। तो और बैग हम अपना गाड़ी में से ले ही आए हैं, तो चलो चल के देखते हैं कि दीदी कहाँ है, कहीं बाहर निकल गई हैं शायद वो। घर की कर दी हमने लाइट बंद। और ये देखो यार, बुआ ने कितनी प्यारी मनी प्लांट लगा रखे है। ये ना ऊपर से लटक रही है, देखो ऊपर ही बालकनी में से नीचे आ रही है इतनी लंबी। और बाहर भी बहुत सारी मनी प्लांट लगी हुई है, मैं आप लोगों को प्लांट्स भी ज़रूर दिखाऊंगी। अभी चलते हैं पहले दीदी के पास। दीदी कहाँ है, बेचारी वहाँ इतनी दूर टहल रही है, बहुत दूर है वो, टहले जा रही है, मनी नहीं लग रहा, बुआ है ही नहीं यार। चलो तो हमने खाया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाला, अभी अभी चिला, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद हम लोग अब कहीं जा रहे हैं, जिसके लिए ब्यूटी दीदी पहले ही बाहर जा चुकी है, मैं और बुआ भी जा रहे हैं। तो आप लोगों को भी लेकर चलेंगे बाहर ही, पता नहीं कहाँ गए, अभी तो यहीं थी। चलो सखी। तो मैं और बुआ, आप लोग शायद बुआ से तो मिले ही नहीं थे ना,
मैं आई हूँ बुआ के घर, बीच वाली बुआ के घर अपनी। तो चलिए मैं आपको मिलाती हूँ, अभी बस वो आ रही होंगी बाहर लॉक लगा के। ये तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैं कहाँ आई हूँ, किससे मिलने आई हूँ। मैं आई हूँ बुआ के यहाँ अपनी, मतलब बीच वाली बुआ। मेरी तीन बुआ हैं, सबसे बड़ी बुआ, फिर बीच वाली बुआ, फिर सबसे छोटी बुआ। तो मुझे अपना फ़ोन ना ऐसे पकड़ना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है शायद। हाँ भाई, लॉक लगानी थी, लॉक लगाते लगाते फिर कहाँ चली गई मुझे पता नहीं, कहाँ गई है बुआ। तो अभी हम जिनके घर जा रहे हैं ना, वहाँ के मैं आपको एग्जैक्ट रिएक्शन सिखाऊंगी, मतलब एग्जैक्ट रिएक्शन वहाँ के क्या होंगे। हम ना एक्चुअली जिसके घर जा रहे हैं उनको हमने बताया नहीं है। तो आ रही है बुआ जी हमारी, तो ये आ गई हमारी बुआ जी। मैं आई हूँ इनके आज, ये मेरी बीच वाली बुआ। तो चलो तो यार गाइस, कल रात व्लॉग एंड हो ही नहीं पाया था क्योंकि कल रात भी इतना ज्यादा थक गए थे ना हम लोग। गए थे आंटी के पास, फिर वहां बैठे मजे वजे करे, वहां भी व्लॉग नहीं छूट हो पाया क्योंकि बातों में इतना ज्यादा लग गए। वहां उनके बच्चे उनके साथ खेले वेले, फिर हम लोग उनको लेके पार्क चले गए, फिर वहां खेले, वहां से आए। तो फिर अब सुबह उठे, फिर नाश्ता वास्ता कर, फिर वही बातें बातें कर। अभी बातें तो इतनी है ना मेरे पेट में, तो लगता है कुछ ज्यादा बातें हों। फिर बुआ भी है, दीदी भी, तो फिर सब बातें बातें करने लग गए। तो फिर खानदानी बताते हैं, बुआ कह रही है पीछे से। तो फिर उसके बाद अब मैं ये ब्लॉग यहाँ पे मैं कर रही थी एडिट, तो मैंने देखा भाई ये तो एंड ही नहीं हुआ है। तो फिर अब चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको एक नए वाले ब्लॉग के साथ। नहा धो के भाई, नाश्ता वास्ता तो हमारा हो ही चुका है। तो जब तक के लिए टाटा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।